छत्तीसगढ़ के गवर्नर श्रीमान विश्वभूषण हरिचंदन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी भाई नितिन गडकरी जी, मनसुख मांडविया जी, रेणुका सिंह जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान टीएस सिंहदेव जी, भाई श्री रमन सिंह जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है। आज छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। ये उपहार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हैं, कनेक्टिविटी के लिए हैं, ये उपहार छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हैं, यहां की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हैं। भारत सरकार के इन प्रोजेक्ट से यहां रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनेंगे। यहां के धान किसानों, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों और टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट से बहुत लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि इनसे आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा और विकास की नई यात्रा शुरू होगी। मैं इन सभी प्रोजेक्ट के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत में हम सभी का दशकों पुराना अनुभव यही है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा, वहां विकास भी उतनी ही देरी से पहुंचा। इसलिए आज भारत उन क्षेत्रों में अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकास। आज भारत में किस तरह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है यहां छत्तीसगढ़ में भी नजर आता है। पिछले 9 वर्षों में छत्तीसगढ़ के हजारों आदिवासी गांवों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें पहुंची हैं। भारत सरकार ने यहां करीब 3,500 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इसमें से लगभग 3,000 किलोमीटर की परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी है। इसी कड़ी में आज रायपुर कोड़ेबोर और बिलासपुर पथरापाली हाईवे का लोकार्पण हुआ है। रेल हो, रोड हो, टेलीकॉम हो, हर तरह की कनेक्टिविटी के लिए पिछले 9 साल में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व काम किया है। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बहुत बड़ा लाभ है जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाती। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध सामाजिक न्याय से भी है। जो सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे, उन तक भारत सरकार आज ये आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी बस्तियों को आज ये सड़कें, ये रेल लाइनें जोड़ रही हैं। इन दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को, माताओं बहनों को आज अस्पताल पहुंचने में सुविधा हो रही है। यहां के किसानों, यहां के मजदूरों को इससे सीधा लाभ हो रहा है।
इसका एक और उदाहरण मोबाइल कनेक्टिविटी भी है। 9 साल पहले छत्तीसगढ़ के 20% से ज्यादा गांवों में किसी तरह की मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी, आज ये घटकर लगभग 6% रह गई है। इनमें से अधिकतर जनजातीय गांव है, नक्सल हिंसा से प्रभावित गांव है। इन गांवों को भी अच्छी 4G कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए भारत सरकार 700 से अधिक मोबाइल टावर लगवा रही है। इनमें से करीब 300 टावर काम करना शुरू कर चुके हैं। जिन आदिवासी गांवों में पहुंचते ही पहले मोबाइल सन्नाटे में आ जाते थे, आज उन्हीं गांवों में मोबाइल की रिंगटोन बज रही है। मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचने से कितने ही कामों में अब गांव के लोगों को मदद मिल रही है, और यही तो सामाजिक न्याय है, और यही तो सबका साथ सबका विकास है। साथियों, आज छत्तीसगढ़ 2-2 इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ रहा है। रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर इस पूरे क्षेत्र का भाग्य बदलने वाले हैं। ये आर्थिक गलियारे उन आकांक्षी जिलों से होकर गुजर रहे हैं जिन्हें कभी पिछड़ा कहा जाता था, जहां कभी हिंसा और अराजकता हावी थी। आज उन्हीं जिलों में भारत सरकार की कमान में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। आज जिस रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम शुरू हुआ है, वो इस क्षेत्र की एक नई लाइफलाइन बनने वाली है। इस कॉरिडोर से रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच का सफर आधा हो जाएगा। 6 लेन की ये सड़क धमतरी की धान बेल्ट, कांकेर की बॉक्साइट बेल्ट और कोड़ा गांव के हस्तशिल्प की समृद्धि को देश के अन्य हिस्सों में जोड़ने का प्रमुख मार्ग बनेगी। और मुझे इसकी एक और खास बात बहुत अच्छी लगी, ये सड़क वन्य जीव क्षेत्र से गुजरेगी, इसलिए इसमें वन्य जीवों की सहूलियत के लिए टनल और एनिमल पासेज भी बनाए जाएंगे। दल्ली राजहरा से जगदलपुर रेल लाइन हो, अंतागढ़ से रायपुर के लिए सीधी ट्रेन सेवा हो, इससे भी यहां के दूर सुदूर के क्षेत्रों में आना जाना और आसान हो जाएगा। साथियों, भारत सरकार का कमिटमेंट है कि जहां प्राकृतिक संपदा है वहीं नए अवसर बने, वहीं ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे। इस दिशा में भारत सरकार ने जो प्रयास बीते 9 वर्षों में किए हैं, उनसे छत्तीसगढ़ में औद्योगिकरण को नई ऊर्जा मिली है। भारत सरकार की नीतियों से छत्तीसगढ़ के पास राजस्व के रूप में अधिक पैसा भी पहुंचा है। विशेषकर माइंस और मिनरल एक्ट बदले जाने के बाद छत्तीसगढ़ को रॉयल्टी के रूप में कहीं अधिक पैसा मिलने लगा है। 2014 से पहले के 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ को 1300 करोड़ रुपए रॉयल्टी के तौर पर मिले थे, जबकि 2015-16 से 2020-21 के बीच छत्तीसगढ़ को लगभग 2800 करोड़ रुपए रॉयल्टी के रूप में मिले हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की राशि बढ़ने से उन जिलों में विकास का काम तेज हुआ है जहां खनिज संपदा है। बच्चों के लिए स्कूल हो, पुस्तकालय हो, सड़कें हो, पानी की व्यवस्था हो, ऐसे कितने ही कामों में अब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का पैसा खर्च हो रहा है। साथियों, केंद्र सरकार के एक और प्रयास का छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ हुआ है। भारत सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में 1,60,00,000 से ज्यादा जनधन बैंक खाते खोले गए हैं। आज इन बैंक खातों में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा है। ये उन गरीब परिजनों, उनके परिवारजनों, किसानों,
श्रमिकों का पैसा है जो पहले यहां वहां अपने पैसा रखने के लिए मजबूर थे, आज इन जनधन खातों की वजह से गरीबों को सरकार से सीधी मदद मिल पा रही है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिले, वो स्वरोजगार करना चाहे तो दिक्कत ना हो, इसके लिए भी भारत सरकार निरंतर काम कर रही है। मुद्रा योजना के तहत 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की मदद छत्तीसगढ़ के युवाओं को दी गई है। ये पैसे भी बिना गारंटी को दिए गए हैं। इस मदद से बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के गांवों में हमारे आदिवासी युवक युवतियों ने, गरीब परिवार के युवाओं ने अपना कुछ काम शुरू किया है। भारत सरकार ने कोरोना काल में देश के छोटे उद्योगों को मदद देने के लिए भी लाखों करोड़ रुपए की एक विशेष योजना चलाई है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के करीब 2 लाख उद्यमों को लगभग 5,000 करोड़ रुपए की मदद मिली है। साथियों, हमारे देश में पहले कभी किसी सरकार ने हमारे रेहड़ी पटरी वालों की, ठेले वालों की सूद नहीं ली। इनमें से ज्यादातर लोग गांवों से ही तो जाकर शहरों में ये काम करते हैं। हर रेहड़ी पटरी और ठेले वाले को भारत सरकार अपना साथी समझती है, इसलिए हमने पहली बार उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई, बिना गारंटी के उन्हें ऋण दिया। छत्तीसगढ़ में इसके भी 60,000 से ज्यादा लाभार्थी है। गांवों में मनरेगा के तहत भी पर्याप्त रोजगार मिले, इसके लिए भी छत्तीसगढ़ को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भारत सरकार ने दिए हैं। भारत सरकार का ये पैसा गांवों में श्रमिकों की जेब में पहुंचा है। साथियों, थोड़ी देर पहले यहां 75 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए जाने की शुरुआत हुई है, यानी मेरे इन गरीब और आदिवासी भाई बहनों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। छत्तीसगढ़ के 1,500 से ज्यादा बड़े अस्पतालों में वो अपना इलाज करा सकते हैं। मुझे संतोष है कि गरीब, आदिवासी, पिछड़े, दलित परिवारों का जीवन बचाने में आयुष्मान योजना इतना काम आ रही है। और इस योजना की और एक भी विशेषता है, अगर छत्तीसगढ़ का कोई लाभार्थी हिंदुस्तान के किसी और राज्य में है और वहां उसको अगर कोई परेशानी हो गई तो ये कार्ड वहां भी उसका सारा काम पूरा कर सकती है, इतनी ताकत इस कार्ड में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार इसी सेवा भाव से छत्तीसगढ़ के हर परिवार की सेवा करती रहेगी। एक बार फिर आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी माता बमलेश्वरी, माता दंतेश्वरी, माता महामाया, बाबा भोरमदेव और बाबा गुरु घासीदास जी के ये पावन भूइया ले आप जम्मो दाई बहनी संगी साथी मल्ला मोर जय जोहार। आप यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और लगातार बारिश के बावजूद भी आप सबका ये जोश, ये उत्साह, ये उमंग, मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं।
मुझे पता चला कि आज सुबह यहां रैली में आ रहे छत्तीसगढ़ के 3 संतानों एक बस हादसे में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इस हादसे में कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। जिन लोगों का निधन हुआ है मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और जो लोग जख्मी हुए हैं उनके इलाज में भी हर संभव मदद की जा रही है। और इस कार्यक्रम के बाद पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ साथी भी इन परिजनों की आवश्यक चिंता जरूर करेंगे। जो लोग अस्पताल में हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ वो राज्य है जिसके निर्माण में भाजपा की प्रमुख भूमिका रही। भाजपा ही छत्तीसगढ़ के लोगों को समझती है, उनकी जरूरतों को जानती है। इसलिए आज दिल्ली से भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के तेज विकास के लिए पूरी ताकत लगा रही है। आज भी यहां के विकास के लिए 7000 करोड़ रुपए से अधिक इस काम का लोकार्पण या तो शिलान्यास हुआ है। इनमें रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल है। ये सारी परियोजनाएं आपके जीवन से मुश्किलें कम करेगी, यहां रोजगार के हजारों नए मौके बनाएगी। भाइयों और बहनों, 2 साल बाद छत्तीसगढ़ के निर्माण के 25 साल होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ युवा ऊर्जा से भरा हुआ है और कहते भी हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। साथियों, अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत ही अहम है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट करके बर्बाद कर देगा। साथियों, गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। दावा किया था कि 10 दिन के भीतर ये कर देंगे वो कर देंगे। तब कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। साथियों, कांग्रेस के झूठ
इनके फरेब की पोल खोलने के लिए, इनके एक वादे की याद में आपको जरूर दिलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की माताएं, बहनें, बेटियां इस बात को जरा गौर से सुने। तब छत्तीसगढ़ से जो 36 वादे कांग्रेस ने किए थे, उन 36 वादों में से एक था कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाएगी। कहा यह भी था कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां ग्राम सभाओं को शराबबंदी का अधिकार दिया जाएगा। अब 5 साल होने को है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है और इसकी पूरी जानकारी अखबारों में भरी पड़ी है। यानी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से धोखा किया, छत्तीसगढ़ से धोखा किया। साथियों, आरोप ये है कि ये जो कमीशन के पैसे उगाए जाते थे, ये कांग्रेस पार्टी के खाते में गए हैं, इसलिए भली भांति की चर्चाएं यहां हो रही है। अब कहने वाले कहते हैं कि शराब घोटाले के पैसे की इसी मारामारी में यहां 2.5-2.5 साल मुख्यमंत्री पद वाला फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों बहनों, आपको एक बात जरूर याद रखनी होगी, कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। अब आप समझ पाएंगे कि आखिरकार बीते 3-4 वर्षों में जो चुनाव देश में हुए उसमें कांग्रेस अपने छत्तीसगढ़ के नेताओं को क्यों जिम्मेदारी देता था और घोटाले घपले के आरोप सिर्फ शराब तक ही सीमित नहीं है। यहां ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो संदेह के घेरे से बाहर है। कोल माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया, न जाने कैसे कैसे माफिया यहां फल फूल रहे हैं। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के अभियान, जल जीवन मिशन तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। यहां सूबे के मुखिया से लेकर तमाम मंत्रियों और अधिकारियों तक, पता नहीं कौन कितने लोग हैं जिन पर घोटाले के गंभीर से गंभीर आरोप लगते रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस के करप्शन और कुशासन का मॉडल बन चुकी है। इसलिए ही आज छत्तीसगढ़ से चारों तरफ हर कोने से, हर जुबान से एक ही आवाज उठ रही है, एक ही आवाज सुनाई दे रही है, एक ही आवाज गूंज रही है,
बदलवो बदलवो। ये दारी कांग्रेस के सरकार ल बदलवो। साथियों, छत्तीसगढ़ में बीते 4 साल में जो कुछ हुआ इससे फिर सिद्ध हुआ है कि कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस करप्शन की कमीशनखोरी की गारंटी है तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, वे मोदी को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इनकी नाराजगी इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि देश ने यही दायित्व मुझे दिया है। और इसलिए जिनके दामन पर दागदार है वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए, वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। और ये कहने की हिम्मत मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है, वो देश का दिया हुआ है। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। साथियों, कांग्रेस जितनी चाल चल ले लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को आगे ले जाने के संकल्प से मोदी पीछे नहीं हटेगा। मोदी गरीब का बेटा है, गरीब का दुख दर्द समझता है। मैं जानता हूं कि गांवों को सड़क से जोड़ने पर गरीब का कितना भला होता है। इसलिए हमने कांग्रेस सरकार से 2 गुने पैसे गांव की सड़कों को जोड़ने के लिए दिए। जब गांव गांव तक सड़क पहुंचेगी तो विकास भी तेजी से पहुंचेगा, रोजगार भी तेजी से पहुंचेगा। भाजपा सरकार आज कांग्रेस सरकार के मुकाबले नेशनल हाईवे पर, रेलवे पर कई गुना ज्यादा खर्च कर रही है।
जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, आना जाना आसान होता है, तो गरीब का जीवन भी तो आसान होता है। आपकी हर मुश्किल को कम करने के लिए भाजपा दिन रात मेहनत कर रही है। बीते 9 वर्षों में नक्सलवाद की समस्या से बाहर निकालने के हमारे प्रयासों का नतीजा भी आज देश देख रहा है। कुछ साल पहले तक देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 के आसपास थी, अब इनकी संख्या घटकर 70 के आसपास रह गई है। भाइयों और बहनों, अपने कुशासन और भ्रष्टाचार के दाग को कांग्रेस अब झूठी गारंटियों से छिपाने की कोशिश कर रही है। आपको ऐसी झूठी गारंटियों से बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। ये भाजपा है जो असली गारंटी देती है, जो वायदा करती है उसे पूरा करके भी दिखाती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 40 लाख गरीबों का मुफ्त इलाज हुआ है। ये है भाजपा की असली गारंटी। कोरोना के संकट काल में हमने छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों को मुफ्त राशन दिया, गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दिया, और आज भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये भाजपा की असली गारंटी है। पीएम फसल बीमा योजना से छत्तीसगढ़ के किसानों को 6,500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, उनके खाते में जमा हो चुके हैं। ये है भाजपा की असली गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि के 6,600 करोड़ रुपए से अधिक यहां के करीब 40 लाख किसानों को मिले हैं। ये है भाजपा की असली गारंटी। साथियों, भाजपा गरीब की चिंता करने वाली पार्टी है, गरीब का कल्याण करने वाली पार्टी है, लेकिन कांग्रेस गरीब की सबसे बड़ी दुश्मन है। भाजपा सरकार दिल्ली से जो योजनाएं यहां शुरू करवाई, उसमें भी यहां की कांग्रेस सरकार अड़ंगा लगा देती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना इसका उदाहरण है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए 12 लाख घर बनाने की तैयारी की थी। जब तक यहां भाजपा सरकार रही, तब तक तेजी से गरीबों के घर बने, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार आई, घर बनाने की रफ्तार पर रोक लग गई। जब यहां भाजपा सरकार थी तो उसने हर साल यहां गरीबों के लिए 2 लाख से ज्यादा घर बनवाए। अब कांग्रेस सरकार यहां एक साल में 1 लाख घर भी नहीं बनवा रही है और पैसे दिल्ली से भेजते हैं। आज यहां पीएम आवास योजना के लाखों घर वेटलिस्ट में हैं, इंतजार की सूची में पड़े हैं। आपके पड़ोसी राज्यों
मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे हैं, महाराष्ट्र में गरीबों के लिए घर बन रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीबों के लाखों घरों को यहां कांग्रेस ने रोक करके रखा है। भाजपा ने यहां गरीबों को पक्की छत के लिए मोर आवास मोर अधिकार का आंदोलन किया है। जहां जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, गरीब को घर देने का काम तेज किया जाएगा। और मैं उन सभी गरीब परिवारों को कहना चाहता हूं, जो लोग जिनका पंजा आपके भाग्य को कुचल रहा है, ये पंजा हटते ही जिन गरीबों के घर नहीं बने हैं, ये मोदी गारंटी देता है वो गरीब का घर भी बन जाएगा। साथियों, यहां धान की खरीदी को लेकर भी जो खेल कांग्रेस सरकार खेल रही है, वो भी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। यहां की सरकार धान किसानों को गुमराह करने में जुटी है, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार का प्रयास छत्तीसगढ़ के धान किसानों से ज्यादा धान खरीदने का है। यहां धान की जितनी सरकारी खरीद होती है, उसका 80% से ज्यादा भारत सरकार के हिस्से का होता है। हमने ना सिर्फ धान पर एमएसपी बढ़ाई है, बल्कि लाभार्थी किसानों की संख्या भी बढ़ाई है। भाजपा सरकार के प्रयासों की वजह से आज छत्तीसगढ़ धान की खरीद मामले में बहुत आगे निकल चुका है। पिछले 9 साल में भाजपा की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के धान किसानों को 1,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा दिए हैं, 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा। इस साल भी यहां के धान किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। ये भाजपा ही है जो यहां के किसानों की मेहनत को समझती है, उनके लिए काम कर रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ किसानों को धोखा दे रही है, उनसे झूठ बोल रही है। साथियों, कांग्रेस ने जनजातीय समाज को हमेशा वोट बैंक के रूप में उपयोग किया है। कांग्रेस ने जनजातीय समाज को हमेशा साधन और सुविधाओं से वंचित रखा है। छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी समाज के अनेक समुदाय अपने अधिकारों से वंचित थे। भाजपा सरकार ने ही उन्हें जनजातियों की सूची में शामिल कर उनका अधिकार दिलवाया है। ये भाजपा सरकार है जिसने अलग आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया था। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी बच्चों के लिए सैकड़ों नए एकलव्य मॉडल स्कूल खोले हैं। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी किसानों के लिए हजारों वंदन केंद्र खोले हैं। साथियों, ऐसे जिले जहां जाना मुश्किल है, उन्हें दुर्गम बताकर पिछड़ा बताकर कांग्रेस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाती है। यहां छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कितने ही जिले हैं। भाजपा सरकार ने ऐसे जिलों के विकास को अपनी प्राथमिकता में रखा है। हमने इन्हें आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है। आज इन जिलों में विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। बीजापुर हो, सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो,
सभी आकांक्षी जिले विकास के पैरामीटर्स में अच्छा काम कर सके, इसके लिए भारत सरकार भरपूर मदद कर रही है। भाइयों और बहनों, अभी कुछ दिन पहले ही सिकल सेल एनीमिया को लेकर एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत देश को सिकल सेल बीमारी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बीमारी सबसे अधिक हमारे जनजातीय समुदाय को प्रभावित करती रही है, लेकिन कांग्रेस को कभी आदिवासी समाज की समस्या की याद नहीं आई। अब जाकर इसमें आदिवासी समाज को मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत हुई है। अब सिकल सेल एनीमिया के मरीजों के लिए ब्लड बैंक खोले जा रहे हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा बढ़ाई जा रही है, हम देश भर में इसकी स्क्रीनिंग की सुविधा बढ़ा रहे हैं ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी इसे फैलने से रोका जा सके। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की सरकारों ने आदिवासी सेनानियों का भी हमेशा अपमान किया, उपेक्षा की। भाजपा सरकार ने पहली बार भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। हम दूसरे आदिवासी सेनानियों के नाम देश भर में स्मारक बनवा रहे हैं। रानी दुर्गावती के शौर्य को नमन करते हुए अनेक महत्वपूर्ण स्थानों को उनका नाम दिया गया है। भाजपा सरकार इस साल 5 अक्टूबर से एक साल पूरा रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर बहुत बड़ा आयोजन भी करने जा रही है। ऐसे सेवा कार्यों के कारण ही आज भाजपा आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की पहली पसंद है। ऐसे काम के कारण ही आज छत्तीसगढ़ में भाजपा के पक्ष में माहौल बना हुआ है। जनता ठान चुकी है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बदलवो, ये दारी कांग्रेस के सरकार ल बदलवो। एक बार फिर आप सभी का इतनी बड़ी संख्या में यहां आने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ पूरे जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।